speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप देखते हो जस्ट सो के उठाओ, मॉर्निंग का 6 बज रहा है और मैं बताऊंगा आज इस ब्लॉग में, इस वीडियो में कि डेली रूटीन मैं क्या लेता हूँ। सबसे पहले उठ के मॉर्निंग में लहसुन, 2-3 कलियाँ होती है, तो छोटी कलियाँ होती है तो 3, बड़े होते हैं तो 2 कलियाँ लहसुन को एम्प्टी स्टमक में हाँका चबा कर और लुक वार्म वाटर। मॉर्निंग की शुरुआत ऐसे करता हूँ, इससे क्या होता है कोलेस्ट्रॉल कम होता है। कोलेस्ट्रॉल मुझे है नहीं, बस कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए फ़ायदेमंद होता है, हार्ट के लिए अच्छा होता है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करता है, मर्दांगनी ताकत बढ़ाता है, बहुत सारे फायदे होते हैं लहसुन के, आप नेट पर जाकर देख सकते हो। ये तो था मॉर्निंग का स्टार्टअप। अब मैं इस वीडियो में धीरे धीरे बताऊंगा कि पूरे दिन मैं क्या डाइट लेता हूँ, वेट मैंने कैसे कम किया, 98 से मैं 77 तक कैसे गया। तो मिलता हूँ आगे। आज सैटरडे है, मेरा ऑफ है, तो मैं आप लोग को आज डिटेल रूटीन बताऊंगा कि मैं दिन भर कैसे क्या करता हूँ और मैंने जो इतना वेट लूज़ किया है कैसे किया है, और आप लोग भी इजली कर सकते हो अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे तो, नहीं भी जुड़े रहते हो तो भी कर सकते हो। तो मॉर्निंग की स्टार्टअप मैंने लहसुन से किया, आपने देखा होगा। और जब भी मैं उठता हूँ मैं अपनी एप्पल की वॉच पहन लेता हूँ कि ये कैलोरी ट्रैक करती है कि कितना मैं चला हूँ, क्या एक्सरसाइज कर रहा हूँ, टोटल एग्जैक्टली मतलब कि एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है इसकी। मैंने बहुत सारी स्मार्ट वॉच यूज़ किया पर इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी, आप कोई भी स्मार्ट वॉच यूज़ कर सकते हो। अभी बज रहा है अप्रॉक्स 6:20 से लेके 6 मतलब कि 6:20 से लेके अप्रॉक्स मैं 1.25 घंटा मैं रन करूँगा। रन कहाँ करूँगा, रूम पे ही रन करूँगा। आप लोग के पास कोई स्पेस नहीं है, मेरे पास तो काफ़ी स्पेस है, एक्चुअली सोसाइटी काफ़ी अच्छी है, पार्क अच्छे हैं, दौड़ने का अच्छा, बट मैं रन रूम पे ही प्रीफर करता हूँ। रूम पे आसानी से मिलती है, टेम्परेचर अच्छा रहता है, कंट्रोल रहता है। दिल्ली का टाइम है, दिल्ली कम में अभी थोड़ी सी सर्दी चल रही है। आप देखते हो, देखोगे मैं दिखाता हूँ मैं रन कहाँ पे करता हूँ। आप देखो मैं यहाँ पे मैट बिछा के रखा हूँ, ठीक है, और ये खाली खाली पैर हूँ, आप देख सकते हो, और खाली पैर में ही भागता हूँ, खाली पैर में भागता हूँ। अप्रॉक्स लगभग 1.25 घंटा भागूंगा। अभी देख सकते हो सो के उठा हूँ, कुछ नहीं किया मैंने अभी, बस ओनली मतलब कि हल्का फ्रेश हुआ हूँ, पानी पिया हूँ, लहसुन खाया हूँ, अब भागूंगा। अभी चेहरा बहुत सूखा सूखा दिख रहा है, कुछ देर के बाद आपको पूरा भीगा हुआ दिखेगा, टी शर्ट भीगी हुई दिखेगी, चेहरा पूरा भीगा हुआ दिखेगा। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं करना है, खड़े हो जाना है बस, और सिंपल रन करना है ऐसे करके, ठीक। तो मैं अपना टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ, इससे पता चल जाता है कि मैं एग्जैक्ट कितना टाइम मैं दौड़ा हूँ। चलो स्टार्ट, बस ऐसे ही दौड़ते जाना है। और दौड़ते दौड़ते क्या होगा, पूरी आप पसीने से लथपथ हो जाओगे, जब तक आपकी सांस फूलने नहीं लगी, जब तक आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा ना हो जाए, मतलब 140 प्लस 150 कभी कभी 160 हो जाती है मेरी। जितना ज़्यादा आपका हार्ट रेट बढ़ेगा तो उतना ज़्यादा आपका कार्डियो अच्छा माना जाता है और उतना जल्दी आपका कैलोरी बर्न होगा। तो ये तो स्टार्ट है, ठीक है। अभी तो 1 घंटे कर ली, तो 1 घंटे कैसे कर पाता हूँ, बड़ा बोरिंग सा काम रहता हूँ ना, ऐसे दौड़ते रहो घर पर अकेले बैठ के, तो कुछ नहीं करना है, एयरफोन पे अपने फ्रेंड को कॉल लगा दो, कोई मन पसंद वाला गाना ऑन कर लो, टीवी पे कार्डियो वाली एक्सरसाइज लगा दो, सॉन्ग लगा दो, तो मस्त आपका 1 घंटा इजली पार हो जाता है, आपकी अच्छी खासी कैलोरी भी बर्न हो जाती है। 1 घंटे में अप्रॉक्स मैं करीबन 500 कैलोरी बर्न कर लेता हूँ, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा पॉज करता हूँ और जब पसीने आ जाएंगे तो दिखाता हूँ, ठीक है। फाइनली मेरा तो आज का टारगेट था मॉर्निंग का कंप्लीट हो चुका है, 65 मिनट, जी हाँ 65 मिनट मैंने आज रन किया हूँ, और 10 किलोमीटर अप्रॉक्स 10 किलोमीटर अप्रॉक्स हो गया रूम पे। तो मैंने बोला ऐसे ऐसे करके भागना है, बस इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं है। तो जिन लोग को स्टार्टिंग में रन करने में प्रॉब्लम्स होती है तो मैं बोलूँगा वॉक कर ले, थोड़ा सा पसीना निकलना अच्छा होता है, कार्डियो अच्छा होता है, जितना ज़्यादा आपका हार्ट बीट जाएगा उतनी कैलोरी आपकी जल्दी बर्न होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि अपना हार्ट बीट को आप 200 कर लो, ठीक है, जितना बर्दाश्त कर सकते हो करो। और आप देख सकते हो ठंड दिन में मैं स्वेटर बनाऊँ
और ठंड दिन में, ठंड का मौसम है, पूरा मैं भींग चुका हूँ। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में मैं रन नहीं करता था, रूम पे रन नहीं करता था, मैं ओनली वॉक करता था, वॉक करता था। पसीने से आँख में जलन हो रही है, तो वॉक करता था। अब धीरे धीरे रन करना स्टार्ट किया हूँ, और मैं दिखाता हूँ, खोल के दिखाता हूँ टी शर्ट को कि अंदर से बनियान की क्या हाल हुई होगी। हाँ पूरा पूरा आप देख सकते हो, पूरा भींग गया है, पूरा गीला हो चुका है। ठीक है, तो कुछ सॉरी माइक मैं दूर रख गया था। आप देख सकते हो पूरा गीला हो चुका है, पूरा बनियान भींग चुका है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मॉर्निंग का 1 घंटा अपने आप को दो, कम से कम 1 घंटा आप दो, 1 घंटा, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना लोगों को टाइम हो सके थोड़ा सा। अब मॉर्निंग में जल्दी उठा करो, और एक प्रॉपर एक स्मार्ट वॉच खरीद लो, कोई किसी भी कंपनी का स्मार्ट वॉच खरीद लो। स्मार्ट वॉच नहीं भी खरीदते हो तो 1 किलोमीटर अगर आप रन करते हो, और सॉरी आप 10 किलोमीटर रन करते हो, तो कमी करीबन आपकी 600-700 कैलोरी बर्न हो जाती है। मैं बहुत जल्दी थोड़ा सा भागा हूँ, तो मेरी 727 कैलोरी, मैंने बोला था 700 के पास कैलोरी बर्न हुई है। तो अब क्या करना है, अब क्या करना है कि अभी 15 मिनट रेस्ट करूँगा। रेस्ट करने के बाद मैं बताता हूँ क्या पीऊँगा। ठीक है, एक्सरसाइज करने के बाद मैंने ये ट्रैक सूट पहना हुआ है। ट्रैक सूट पहनने से ये होता है ना, जो आप पहन के करते हो वो पूरी तो गीली हो जाती है, तो उतार देना चाहिए और बॉडी का हीट तुरंत बाहर ना निकल जाए, इसी कारण आप ट्रैक सूट डाल लो। अब मैं पीऊँगा कोकोनट वाटर। अब देख सकते हो इतनी बड़ी कप है, इसमें पूरी मेरी कोकोनट वाटर आ जाती है। इसमें जो कैलोरी होगी अप्रोक्स 40 to 50 कैलोरी के अप्रोक्स होगा इसमें। इसको सिप सिप करके पीना होता है। आप कैसे भी पी सकते हो, बट मैं इंजॉय करके धीरे धीरे पीता हूँ, क्योंकि अभी इसको लूंगा या अप्रोक्स अभी 8 बज रहा है, और 8 बज रहा है, और आधे घंटे के बाद, आधे या 1 घंटे के बाद मैं एक गाजर खाऊंगा। गाजर का की कैलोरी अप्रोक्स वो भी मुश्किल से 30 से 40 कैलोरी के अप्रोक्स में होगी। तो टोटल जो मॉर्निंग में मैं लूंगा कितना लूंगा, 100 कैलोरी आज। उसके बाद मैं डायरेक्ट करूंगा लंच। तो ये अप्रोक्सली 8 बज रहा है, तो 1 घंटे के बाद मैं गाजर खाऊंगा। ठीक है, और तब तक मैं अपना फ्रेश फ्रेश भी हो जाऊंगा इसको पीने के बाद। तो 9 बजे के अप्रोक्स मैं गाजर खाऊंगा, और लगभग 2-3 घंटे के बाद मैं लंच करूंगा। तो मैं मॉर्निंग में जो जितनी कैलोरी जाएगी वो मैक्सिमम जाएगी आप मेरी, जो जो मैं लेता हूँ मैक्सिमम मैं लेता हूँ 100 कैलोरी के बीच में, 100। उसमें थोड़ी बहुत भूख लग जाती है तो थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स खा लेता हूँ। ड्राई फ्रूट्स कोई बताओ किस अंदाज में आपको खाना चाहिए। फिलहाल मैं इसको एंजॉय करता हूँ और मिलता हूँ फिर आगे की दिनचर्या में कि आज मैं क्या क्या करने वाला हूँ। ये वीडियो रात तक चलेगी, हाँ रात तक चलेगी। आप आँख बंद करके इसको फॉलो करो, जितनी भी आप खाना खा ले रहे हो, खा रहे हो, कैलोरी को गिन के खाओ, कैलोरी को गिन के खाओ, एक्सरसाइज करो, तो डेफिनेटली आपके वेट इजिली कम होगी। वेट घटाना कोई बहुत बड़ा मतलब कि वो नहीं है कि वेट नहीं घटेगा, आसानी से आप घटा सकते हो। बस मुझे आप फॉलो करो, मेरी वीडियोस को देखो, समझो और कैसे मैंने वेट घटाया उसको ध्यान दो। तो मिलता हूँ फिर आगे, तब तक इसे एंजॉय करता हूँ। ये आज मेरा दोपहर का लंच है, ओनली देख सकते हो। तो है क्या, एक अंडे नहीं, 2 अंडे हैं, येलो निकाल दिया मैंने इसका, और एक ब्रेड है, मल्टीग्रेन ब्रेड है, होल व्हीट में मल्टीग्रेन ब्रेड ब्रेड है। तो टोटल जो कैलोरी है इसमें अप्रोक्स वो 150 के अप्रोक्स की कैलोरी मैं ले रहा हूँ लंच में। जी हाँ, लगभग 90, 100 से 90 के बीच में मैंने मॉर्निंग में लिया था, काफ़ी अच्छा बना है। 1 चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया था, इसमें मैंने आमलेट बनाया, फिर ब्रेड डाल दिया। तो टोटल जो कैलोरी हो गई है इसकी लगभग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 150 कैलोरी। तो दोपहर का 1 बज रहा है, और मैंने अब तक जो कैलोरी ली है वो अप्रॉक्स लूँगा टोटल 250। और बर्न कितना कर लिया हूँ, 727 के अप्रॉक्स तभी बर्न किया था मॉर्निंग में। टोटल वॉक करते, कुकिंग करते, नहाते धोते जो हो गया अप्रॉक्स 800 कैलोरी अभी तक बर्न हो गया है। लिया कितना हूँ, ले कितना रहा हूँ, 250 मैक्सिमम दोपहर तक। तो मिलता हूँ उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ और कितना कैलोरी और लूँगा, मिलता हूँ आगे।
मैंने अपना लंच कंप्लीट कर लिया है। जब ऑफिस में रहता हूँ तो इसी टाइम में लंच करता हूँ, 1 बजे के अप्रॉक्स में लंच करता हूँ। और लंच करने के बाद, खाना खाने के बाद मैं अप्रॉक्स 20 से 25 मिनट वॉक करता हूँ। बहुत लोग स्मोक करने जाते हैं, बहुत लोग चिप्स खाने जाते हैं, मैं वॉक करता हूँ, लगभग 20 मिनट के पास वॉक करता हूँ। तो अभी मैंने 150 कैलोरी लिया है अप्रॉक्स लंच में, और मैं 20 मिनट जो वॉक करूँगा, 20 मिनट वॉक करने में अप्रॉक्स 100 कैलोरी तो बर्न कर ही लूँगा, स्पीड से चलता हूँ तो ठीक है। तो बज रहा है अभी लगभग 1:37 हो रही है, हाँ 1:37 हो रहा है। तो मैं कब अप्रॉक्स 20 मिनट वॉक करूँगा, उसके बाद आऊँगा अपना, फिर कुछ काम करूँगा। काम करने के बाद लगभग जब 20 मिनट वॉक करके आता हूँ, उसके फिर 20 मिनट के बाद मैं पानी पीता हूँ। लगभग खाने खाने के बाद लगभग 40 से 50 मिनट के बाद मैं पानी पीता हूँ, पानी पीऊँगा, उसके बाद बताता हूँ उसके बाद आगे का क्या काम रहता है मेरा। 2:20 हो रहा है। अब मैं पीऊँगा पानी के साथ, गर्म पानी के साथ, ब्लू टी का, बटरफ्लाई पी टी। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा होता है, ये कंपनी दावा करती है कि वेट लूज़ करता है, बट वेट लूज़ तो नहीं, बट थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट देता है, थोड़ी सी एनर्जी देती है, अच्छा होता है हेल्थ के लिए, अच्छा होता है। आप इसके बारे में नेट पर जाके सर्च कर सकते हो, मेरी एक वीडियो भी है इस पर, आप उसको जाकर देख भी सकते हो, काफ़ी अच्छा होता है। तो बनाता हूँ, मैंने ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है, ग्रीन टी के बदले इसको आप रिप्लेस कर सकते हो। इसमें मैं गर्म पानी डालूंगा, कुछ देर तक छोड़ दूंगा। गर्म पानी मैंने इसमें डाल दिया है, कुछ देर के बाद इसका कलर जो है ना वो ब्लू हो जाएगा। अब अभी से आप देखना स्टार्ट कर दो, ये देखो ये देखो, कुछ देर तो नहीं, तुरंत हो गया, इसका कलर ब्लू हो गया ना। तो काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ के लिए, काफ़ी अच्छा, लोग इसे कच्चा भी खाते हैं। ठीक है, जब कुछ ठंडी हो जाएगी तो मैं इसे पीऊँगा, आप इसे यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो गर्मा गर्म ब्लू टी तैयार है मेरा, और मैं इसे इंजॉय करता हूँ। और बाकी अभी तो 2:30 के अप्रॉक्स बजने वाला है, फिर मैं बताता हूँ कि मैं शाम को क्या लूँगा, रात को क्या खाता हूँ, और आप कैसे अपना वेट इसी मेथड से, जैसे मैं फॉलो करते जा रहा हूँ, इस मेथड से आप इजली, बहुत ही आसान तरीके से आप भी अपना वेट को कम कर सकते हो। तो मिलता हूँ आगे। ये देख सकते हो छोटा सा प्लेट है, उसमें 2 अंजीर है, पानी में मैंने रात को मैं भिगो के रख देता हूँ और दिन में यूज़ करता हूँ, दिन में खाता हूँ। 2 अंजीर है, 4 एलमंड्स है, 2 आपके वॉलनट हो गए, हाफ वॉलनट है, मतलब कि 1 फुल वॉलनट है, और 2 पानी में भीगे हुए सोक्ड काजू हैं, और 4 किशमिश है, बस इतना ही शाम का। और ये जो कैलोरी है इसकी, टोटल टोटल 100 कैलोरी के अप्रॉक्स ये भी हो जाती है। 2 अंजीर है, अंजीर में थोड़ी सी कैलोरी ज़्यादा होती है, ज़्यादा तो नहीं, मतलब कि 20 कैलोरी के अप्रॉक्स मैं मान के सकता हूँ, ठीक है, छोटे वाले अंजीर में। थोड़े से बड़े होते हैं तो 35 कैलोरी, सबकी अलग अलग होती है, सबकी मिठास, सब अंजीर की मिठास अलग अलग होती है। तो बट आपको खाना है, बट रात भर आप पानी में उसे भीगने के लिए दे दें किसी भी बर्तन में, उसके बाद आप शाम को इसे खा सकते हो, या मॉर्निंग में भी बहुत लोग खाते हैं, मॉर्निंग में भी एम्प्टी स्टोक में खाते हैं। ये मेरा शाम का नाश्ता यही है। तो अभी भी मैं 100 कैलोरी से ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, 100 कैलोरी से कम ही हो गई। अब बताता हूँ कि रात को क्या खाऊंगा और कितना कैलोरी मैं बर्न करके सोऊंगा और कितने बजे सोऊंगा। शाम का, शाम या बोलिए रात, बोलिए रात बोल सकता हूँ, रात का 7:30 बज रहा है। मैं अप्रॉक्स 7:30 से 8 बजे के बीच में खाना खा लेता हूँ और दिखाता हूँ अभी क्या खाने वाला हूँ। 2 रोटी है, ये लौकी की सब्जी है, और ये सेम की सब्जी है सेम, और ये आंवला का चटनी है, और जिसमें मीठा डला हुआ है गुड़, गुड़ और आंवला की का चटनी है, और इसमें मसाले डले हुए हैं जैसे कि अदरक हो गया, फिर आपका धनिया हो गया, फिर जीरा हो गया, अजवाइन हो गया, ये सलाद है। मूली खाता हूँ मैं, मूली खाता हूँ, मूली डाइजेशन को अच्छा करता है, बस यही खाना है। रात का खाना थोड़ा सा आपको ज़्यादा लग रहा होगा, बट खा के मैं अभी 1 घंटा वॉक करने वाला हूँ। रात का 11 बज चुका है और मैंने जो टोटल कैलोरी आज बर्न किया है वो किया है 2472 कैलोरी। आप लोग को इतना नहीं करना है, आप लोग स्टार्टिंग में 1000 भी करते हो तो काफ़ी है। स्टार्टिंग में जो मैंने वेट को लूज़ किया था, जो मैं मोटिवेट हुआ था, टेक्निकल गुरु जी जो हैं उसकी वीडियो को देख के मैं मोटिवेट हुआ था, बिकॉज वो 30 किलोमीटर वॉक करते थे, तो स्टार्टिंग में मैं भी 30 किलोमीटर वॉक करता था। बट वॉक करने में क्या हुआ ना, ये वॉक करके तो मैंने तो वेट तो कम किया, बट बहुत टाइम लग जाता था वॉक करने में। तो रनिंग में क्या होता है ना, थोड़ा सा जल्दी वेट कम हो जाता है, बट रनिंग आप इनिशियल में नहीं करोगे, इनिशियल में क्या होता है आपका वेट ज़्यादा होता है, आप रनिंग करोगे तो आपके घुटने खराब होने का डर होता है। तो स्टार्टिंग में आप क्या करो, वॉक करो, वॉक करके वेट को कम करो, बाद में आप रनिंग करना स्टार्ट करो।
तो पहला मंथ में, फर्स्ट मंथ में मेरी, मैंने अप्रोक्स 9 से 10 kg वेट कम किया ओनली वॉक करके पहला मंथ में। और दूसरा तीसरा मंथ में बाकी का मैंने 10 5 5 kg करके मैंने कम किया, मतलब 3 मंथ मुझे लग गए 20 kg के अप्रोक्स वेट को कम करने में। तो आप लोग भी कर सकते हो। टोटल जो आज मैंने खाना खाया, ब्रेकफास्ट का मैंने खाया 1000 कैलोरी, सॉरी 100 कैलोरी, फिर दोपहर का जो लंच किया था वो 150 कैलोरी, शाम का जो नाश्ता किया वो 100 कैलोरी, रात का थोड़ा सा हैवी हो गया, रात को मैंने 500 कैलोरी मैंने खाया, बट टोटल जो हुआ 500, 600, 700, 850 कैलोरी मैंने टोटल लिया। 850 कैलोरी टोटल लिया और 2472 कैलोरी मैंने लूज कर दी, आप देख सकते हो। तो अगर आप 9000 कैलोरी के अप्रॉक्स, 8 से 9000 कैलोरी अगर आप बर्न करते हो तो आप 1 kg वेट को कम करोगे। बट मेरे कैलकुलेशन से आप चलोगे, मैं जिस कैलकुलेशन से चल रहा हूँ, मैं डेली पर डे 150 से 200 ग्राम मतलब कि वेट को लूज करता था। जी हाँ, तो अगर आप लोग भी मेरे कैलकुलेशन से चलोगे, मतलब कि आपको, सपोज आपको कैलोरी की जरूरत है 500 से 1500 कैलोरी, ठीक है, और आप ले कितना रहे हो 1000 कैलोरी, 500 कैलोरी तो यहाँ पे माइनस हो गया आपका, बच गया। और अगर आप 1000 कैलोरी बर्न भी कर लेते हो, एक्सरसाइज के थ्रू बर्न कर लेते हो, तो 1000 प्लस 500 की कितना हो गया, टोटल 1500 कैलोरी आपने क्या किया, खर्च कर दिया एक्स्ट्रा। अगर 1500 कैलोरी आप डेली खर्च करोगे एक्स्ट्रा, और तो सप्ते भर में आपका इजली इजली मतलब कि 1.25 kg वेट कम होगा ही होगा, यानी। बट मैं क्या करता था, मैं बहुत ज़्यादा करता था, मैं 2000 2500 कैलोरी बर्न करता था पर डे, तो इतना कैलोरी बर्न करता था, मेरा जो पर डे का जो वेट जो गैन मतलब कमता था वो 150 200, कभी भी 300 ग्राम भी कम हो जाती थी। इसी कारण मैंने ना 10 जो स्टार्टिंग का जो 1 महीना था, मैंने बहुत ही फास्ट तरीके से बहुत ही पागल हो गया था वेट कम करने 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 करने, मतलब इतना ही पागल आप लोग को नहीं होना है। सेकंड मंथ में क्या हुआ, मैंने कम किया, बॉडी को रेस्ट दिया, बॉडी को कहीं मेरा बॉडी ब्रेकडाउन नहीं हो जाए हो जाता, इसलिए मैंने बॉडी को रेस्ट दिया। सेकंड मंथ में मैंने 5 kg कम किया, थर्ड मंथ में भी मैंने 5 kg कम किया, अभी भी 76 का हूँ। मेरी हाइट जो है अभी 5 10 और 11 के बीच में है, 11 से थोड़ी सी कम है, 10 से थोड़ा सा ज़्यादा है, और मेरी जो वेट है अभी 76 77 के अप्रॉक्स है। तो आप लोग भी इजिली कम कर सकते हो वेट, जब मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम का आईडी है सफर विथ मयंक, जो फिट वाला जो जर्नी है उस पर एक नया सा एक आईडी जनरेट करूंगा, आप लोग उस आईडी पे भी जुड़ सकते हो, इस आईडी पे भी जुड़ सकते हो। कोई भी डाउट हो आप मुझे इजिली मैसेज कर सकते हो, अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। तो कोई भी वेट को लूज कर सकता है, बट करना क्या है, खाने पे कंट्रोल रखना है, ठीक है। 80% डाइट, 20% एक्सरसाइज, दोनों को मेंटेन करके रखते हो तो धमाका होगा एकदम, बहुत इजीली तरीके से आपका वेट कम होगा। अगर आप ओनली डाइट पे कंट्रोल करते हो, खाना पे कंट्रोल करते हो और एक्सरसाइज नहीं करते हो तो भी वेट कम होगा, तो भी वेट कम होगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी वेट को कम करना चाहते हो, आप बहुत जल्दी कम करना चाहते हो या एक स्लोली तरीके से कम करना चाहते हो, तो वेट इजली कम हो सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग को अगर मेरे साथ जुड़ना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मेरी ऑनलाइन क्लासेज भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं एक बहुत बड़ा कोई कोच नहीं हूँ, मैं कोई मुझे मैंने कोई टेक्निकल कोर्सेज नहीं कर, मैं आईटी का बंदा हूँ, मैंने कोई टेक्निकल कोर्सेज नहीं कर करके रखी है हेल्थ को लूज करने में। सबका बॉडी अलग अलग होता है, बट कैलोरी डिफिशियंसी मतलब कैलोरी किस हिसाब से लेना है इतना मुझे आ गया है। मैंने बहुत सारी स्टडी भी की है कि कैलोरी कितना लेना है, कैसे लेना है, और बस कैलोरी पे आप ध्यान रखोगे, नाप तौल के खाओगे तो इजली वेट को कम किया जा सकता है। कोई भी डाउट है मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम में मैसेज करो। तो जल्दी मिलता है वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।